दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं। जैसे देख रहे हैं फ्रूट रायता बनाने के लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता है, विटामिन से भरपूर पानी ज़्यादा ले रायता है दोस्तों है ये। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, देखिए कितने काफ़ी टेस्टी रायता हमारा बन के तैयार है। मुँह में पानी भर जाता होगा आप लोग को देख कर दोस्तों। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। जो आपके पास फल है दोस्तों, देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फल सभी लोग के घर में आ रहा है। बचे हुए फल से दोस्तों हमारे किचन में जो थोड़ा थोड़ा फल बचा था उससे हम बनाए हैं रायता को। तो आप लोग भी इस तरह से थोड़े थोड़े फल बचाए तो आप लोग इस तरह से रायता बनाकर खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी दर्शकों को, जितने हमारे देख रहे हैं चैनल के, सभी लोग से हाथ जोड़ के निकल के चैनल के हमारे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जाकि हमारा भी वीडियो आप लोग को आगे बढ़ती रहे। हाथ जोड़ के आप लोग से सभी लोग से निवेदन करते हैं। तो यहाँ पे आज चल रहे हैं, जैसे देखते हैं कि इस समय फल का मौसम आ गया है और सभी लोग को देखते हैं जैसे जोर जोर से फल, बहुत सारे फल मार्केट में आ गया है, बिक रहा है मार्केट में। तो आपके पास जो भी फल हो वो फल क्यों ले सकते हैं। जैसे देखते हैं भयंकर इसमें ठंडी, बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंडी हम बोल दी सॉरी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसके लिए आप लोग फ्रूट के रायते कैसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, बनाना भी है इसको। अब बहुत काफ़ी टेस्ट लगता है दोस्तों, विटामिन से भरपूर पाने जाने वाली ये रहता है। रायता बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या लिए हैं। जो हमारे पास था उसको ले लिए हैं। जो फल से आप बनाना चाहते हैं वो सारे फल इसमें आप डाल के बना सकते हैं। जैसे पपीते हुए तो पपीता भी हमारे पास है, बाकी पपीता इसमें नहीं डालेंगे। जैसे देखते जो बच्चे हमारे नहीं फल खाते हैं उसको हम नहीं डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिए हैं एक एप्पल है यहाँ पर, उसके बाद देख रहे हैं खीरा लिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं चार पाँच पीस यहाँ पर केला लिया है पका वाला, यहाँ पर पके हुए अंगूर लिए हैं। खट्टे अंगूर लेने के इस्तेमाल मत करिएगा, मीठा वाला अंगूर लीजिएगा, काले अंगूर हो जैसे देखते हैं, हरा अंगूर हो, जो भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनार को दाने को हमने छिलके उतार कर रख लिए हैं। यहाँ पर दही ले लिए हैं, यहाँ पे पीसी हुई चीनी लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काला नमक है, रायते में काला नमक बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर मरीच को हमने पीस कर गोल वाली काली मिर्च जो है पीस के ले लिए हैं। यहाँ पर दो चुटकी हमने खाने वाला नमक ले लिए हैं। यहाँ पर जीरा को भून कर हल्का सा इसको भी पीस लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ को हम लेके यहाँ पे दही लिए हैं, देख सकते हैं एक केजी दही है, इसको भी एक साइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे चीनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केले को छिलके उतारेंगे। तो जो आपके पास फल हो उसको आप एक फल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए केले के छिलके उतार कर इसी तरह से काट ले रहे हैं। तो आप जैसे देखते हैं शादी विवाह में जाते हैं तो फ्रूट के रायते बहुत मिलता है दोस्तों, तो आप लोग को बहुत काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। इसको छोटे छोटे केले के पीस हम काट ले रहे हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि कहीं भी गर्मी में से आते हैं, कहीं धूप से आते हैं आप, इसको फ्रिज में रखे रहिए दोस्तों, आने के बाद एक कटोरी इसको खा लेते हैं। इसमें विटामिन से भरपूर दोस्तों है, ठंडाई भी है इसमें और बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप जरूर बनाएं, बच्चों को जरूर खिलाएँ और अपने भी खाएँ दोस्तों। तो जैसे रायता दो तीन दिन तक हमारा ख़राब नहीं होता फ्रिज में रख के खाएँगे। तो ये रायता में जो भी आपके पास फल हो उसको डाल सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हम केले को काट लिए हैं। इस तरह से अंगूर को भी हम काट ले रहे हैं। तो अंगूर को आप छोटे अंगूर हो तो दो फल इसमें इसी तरह से बड़े वाला कर दीजिए, छोटे वाला जैसे देख रहे हैं इसको इसी तरह छोड़ देंगे हम। थोड़ी सी इसके अंदर दही जो जाता है तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अंगूर को आप लंबे साइज में काट सकते हैं और फिर यहाँ पर हम गोल साइज में काट ले रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से हम काट देंगे इसको। अब यहाँ पे कि हम छिलके सेव के भी इसी तरह से उतार ले रहे हैं। आप इसमें पानी फल भी हो तो डाल सकते हैं। अब इसको भी इसी तरह से हम काट लेंगे। तो इसी तरह से सारे काट कर फिर आप लोग से मिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियो देखते नहीं हैं इसलिए सारे हम काट के फिर आप लोग से मिलते हैं। इसके बीच का पार्ट जो है इसको निकाल देना है। तो जैसे देखते हैं गर्मी के मौसम में सब लोग दही का लस्सी बनाते हैं, दही के मट्ठे बनाकर पीते हैं, दही के शरबत बना के पीते हैं। तो दही जानते हैं सेहत के लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद है। और इस समय जैसे देखते हैं गर्मी के मौसम में दही नुकसान भी नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए कीवी हमने लिए हैं, तो कीवी को भी हम छिलके इस तरह से उतार लेंगे।
तो कीवी पका नहीं है अभी उतना। अब कीवी भी जानते हैं प्लेटलेट बनाने में रहता है, जैसे कीवी भी बहुत सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, तो कीवी भी इस तरह से हम काट ले रहे हैं उसमें बोलना। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि कीवी हम छिल रहे हैं, साची पापा बोल रहे हैं कीवी मत डालिए बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है कीवी। जो कीवी पक जाता है दोस्तों तो वो नहीं खट्टा लगता है, बाकी जो खट्टा कीवी लगता है वो भी फायदे रहता है दोस्तों, विटामिन रहता है बहुत ज़्यादा, सेहत के लिए सही रहता है खट्टा कीवी। बाकी साची पापा बोल रहे हैं कीवी मत डालिए आप क्योंकि हम नहीं खाएंगे, अब बहुत ज़्यादा कीवी खट्टा लगता है। तो खट्टा वाला जो कीवी रहता है दोस्तों हमारे लिए इतना आता है कि हम खाते नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा रहता है कीवी। जो लोग खट्टे खाते हैं उनके लिए तो सही रहता है। कीवी को भी हम इसी तरह से छोटे छोटे काट ले रहे हैं, इस तरह से डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दही में हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे चीनी को। अब यहाँ पे देखिए हम चीनी डाल रहे हैं, तो आप इसमें जैसे हल्का मीठा खाना चाहते हैं तो हल्का चीनी डालिए, हमारे घर में मीठा कीवी सभी लोग को बहुत ज़्यादा तो पसंद है। अब यहीं पर डालेंगे हम काला नमक, एक डालेंगे काली मिर्च, एक डालेंगे जीरा पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे भी मिलाने के बाद से डालेंगे केला को, केला को डालने के बाद डालेंगे यहाँ पे देखिए खीरा को हम बचा दें, खीरा नहीं डाले हैं क्योंकि साची बोले मम्मी खीरा मत डालिए, तो आप कुछ सारी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए इसी तरह से कीवी भी सारी चीज़ हम डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे दही में, ये रायता जो हमारा बहुत काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। और यहीं पर डालेंगे हम अनार को दाने को भी, तो आप देख सकते हैं कितने काफ़ी टेस्टी हमारा रायता बनके बहुत काफ़ी टेस्टी तैयार हो चुका है। तो रायता को आप इसमें फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो, नहीं तो इस तरह से रायता देखिए आप लोग बनाकर दो तीन दिन तक फ्रिज में रखकर आप लोग खा सकते हैं। इसमें जो भी आपको पसंद हो चीज़ें वो सारे चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें रायते में। तो रायता को लाइए, अब हम थाली में स्टोर कर देंगे, प्लेट में सजा दे रहे हैं। रायता को किसी को आपको देना हो तो इस तरह से रायते को डालकर आप दे सकते हैं। अब इसके ऊपर से देखिए हम सजा दे रहे हैं, अनार के दाने डालिए इसके ऊपर से। रायता को आप चम्मच लगा के इस तरह से दे सकते हैं किसी को खाना हो तो। तो सभी रायतों को इस तरह से हमने निकाल दिए हैं, दे रहे हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।